नमस्कार. We are starting with the series of climate, health and youth. Specifically focusing on youth health and awareness and guiding parents, teachers and everyone who is having a child at house. And this is very important. Now we have to awake, arise and act. We just can't keep sitting behind and just watch. और ये समय अब आ चुका है कि हम हमारे यूथ की ओर देखना शुरू करें और उनको अवेयर करें अबाउट उनकी डेली लाइफ, हेल्थ और उसका कनेक्शन उनके माइंड के साथ क्या है, उनके ग्रोथ के साथ क्या है, उनका सक्सेस के साथ क्या है. सो दिस फर्स्ट सीरीज ऑफ द सेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि सम फैक्ट कि 74% ऑफ द यूथ हमारा इनएक्टिव है. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गूगल पे रहते हैं और जो ना देखनी चाहे वो चीज़ें देखते हैं और उस उनके माइंड को वो अनवांटेड इंफॉर्मेशन से भर देते हैं और फिर वो फिज़िकली इनएक्टिव रहने लगते हैं और मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हमें डिस्टर्ब और विचलित कर देती है. सो मेरा सिर्फ आप सबसे निवेदन है कि आप इस मुहिम में जुड़िए हमारे साथ और अंडरस्टैंड करिए कि किस तरह से क्लाइमेट और हेल्थ और यूथ जुड़े हुए हैं और इसके हम जुड़े रखना चाहिए. हमें यूथ को बताना चाहिए कि कैसे क्लाइमेट आपको हेल्प नहीं करने वाला है इनफ, आपको अपने आप भी करना पड़ेगा कुछ. और हम इस चीज़ के लिए साथ में जुड़ेंगे और बताएंगे बच्चों को कि किस तरह से हेल्दी रहा जाता है. सो नेक्स्ट सीरीज में हम शुरू करेंगे कि क्या क्लाइमेट और किस तरह से क्लाइमेट हमारे यूथ को अफेक्ट करेगा और किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हेल्थ के लंग फंक्शंस की डिजीज़ है, हाइपर वेंटिलेटिव कंडीशंस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, गट हेल्थ है. सो हम एक के बाद एक सीरीज़ में प्रॉब्लम को फोकस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हमसे जुड़े रहिए एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी एंड बी इन योर लॉन्जिविटी. और अपने बच्चों को भी ए लॉन्जिविटी का साइंस बताइए और उनको आगे लंबी ज़िंदगी और आयुष दीजिए. इसीलिए कहा है कि आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत तब बनेगा जब हेल्दी यूथ होगा और यूथ को हम आयुष्मान बनाएंगे.